नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर सागर अग्रावत। आज का ये हमारा वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट इन दुबई एंड हाउ टू अर्न प्रॉफिट इन दुबई मार्केट। देखिए, आज के ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हो तो आपको ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट इन दुबई, मतलब दुबई में एक्सपोर्ट कैसे होता है, दुबई में आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं, पेमेंट टर्म्स कौन सी है अगर आप दुबई में एक्सपोर्ट करते हो तो, बी अवेयर अबाउट दुबई फ्रॉड, मतलब दुबई में फ्रॉड कैसे होता है, एंड हाउ टू अर्न प्रॉफिट, दुबई में आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कैसे मिल सकता है इसके बारे में भी बताऊंगा, और दुबई में कितनी टाइप की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ये बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, आप अभी भी नए हो तो आप जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले थोड़े ही टाइम में मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, एक बायर कोड मैं लेके आऊंगा दुबई का, जिससे आप डील कैसे कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट दुबई के बायर के साथ डील भी कर सकते हो। अगर आप नए हो तो आप जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, तो आपको मैं फ्री में यहां से बायर भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि दुबई के साथ बायर से कैसे डील की जा सकती है। आइए आज की ये वीडियो की शुरुआत करते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट इन दुबई। देखिए, आप दुबई में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो दुबई में आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, पहले ये मतलब बता देता हूं। देखिए, आप दुबई में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, आपके पास एक जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो दुबई में तो आपके पास अपेडा सर्टिफिकेट मतलब आरसीएमसी होना चाहिए। ये सब आपके पास कंप्लीट होगा तो आप दुबई में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो गई हाउ टू एक्सपोर्ट इन दुबई वाले क्वेश्चन का आंसर। अभी डॉक्यूमेंट कितने लगेंगे दुबई में एक्सपोर्ट करने के लिए, आपको एक इनवॉइस लगेगा, सेकंड पैकिंग लिस्ट लगेगा, थर्ड आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, फोर्थ आपका फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा, फिफ्थ आपका बिल ऑफ लेडिंग लगेगा, और आप चिली वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट दुबई में तो आपको चिली सर्टिफिकेट लगेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको दुबई में लगते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी देखिए, यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल जो पार्ट है वो है पेमेंट टर्म्स। दुबई में कितने प्रकार की पेमेंट टर्म्स है तो वहां पे एक ही पेमेंट टर्म्स है, वो पेमेंट टर्म्स है वहां पे कमीशन बेसिस। देखिए, ज्यादातर दुबई में जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है वहां की पेमेंट टर्म्स एक फिक्स है, वो है कमीशन बेसिस। वहां पे लोग ज्यादातर क्रेडिट में माल बेच रहे हैं तो आपको भी वहां की पेमेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दुबई की मार्केट में कोई एडवांस नहीं देता, कोई एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट में काम नहीं करता, ज्यादातर लोग वहां पे क्रेडिट में ही काम करते हैं। तो पेमेंट टर्म्स दुबई की एक पहले से ही फिक्स है, वो है क्रेडिट। वो क्रेडिट पे आपको माल बेचना है वहां पे, तो यहाँ पे आपकी अनसिक्योरिटी है, जरूर है, पर आप अच्छे वहां की कंपनी के साथ, अच्छी कंपनी के साथ काम करते हो तो आपको वहां पे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ यूएई में, मेरे पास भी 2 से 3 बायर है, पर वो ऑथेंटिक बायर है, वो जेन्युइन बायर है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती, मेरा पेमेंट आ जाता है। तो दुबई में कौन से टाइप की पेमेंट टर्म्स है, तो दुबई में ज्यादातर कमीशन बेस पे काम होता है। अभी दुबई में फ्रॉड के कैसे बचा जाए ये भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, और प्रॉफिट कैसे कमाया जाए ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आप जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं, और आप घर बैठे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीख सकते हो मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीख सकते हो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप अभी दुबई में एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे कौन सी प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। अभी आप दुबई में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो चिली है, ग्रीन चिली, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, टोमेटो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेमन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिंजर एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोकोनट एक्सपोर्ट कर सकते हो, एलिफेंट याम एक्सपोर्ट कर सकते हो, पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हो, ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट कर सकते हो, सूरन और मैंगो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। वैसे काफ़ी सारी वेराइटियाँ है, आप राइस वगैरह, वीट फ्लावर वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, काफ़ी सारी प्रोडक्ट है वो दुबई में एक्सपोर्ट होती है, पर वहाँ पे एक ही तकलीफ है, वो है पेमेंट टर्म्स की। देखिए, उसका सॉल्यूशन क्या है ये आपको मैं बताऊं, और आप एक्सपोर्ट करने के बाद आप प्रॉफिट दुबई की मार्केट में कैसे कमा सकते हो। काफ़ी सारे बिगनर है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादातर 1 से 2 एक्सपोर्ट करने के बाद वो उसका एक्सपोर्ट दुबई में उसका बिजनेस वो बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको नुकसान हो जाता है। अभी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो दुबई में तो आपको कैसे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आपको ये मैं ज़रूर बताऊंगा। आप ये चीज़ का ध्यान रखोगे आपको दुबई की मार्केट में नुकसान नहीं होगा, और होगा तो कम से कम होगा। पहले तो आप फ्रॉड से बचिए,
वहां की काफी सारी कंपनियां हैं जो फ्रॉड है, उसके साथ आप काम नहीं करिए। आप पहले उसका क्रेडिट रिकॉर्ड है वो चेक करिए। काफी सारी यहाँ पे मतलब कंसल्टेंसी है जो आपको उसका क्रेडिट स्कोर चेक करके देगी। आप क्रेडिट स्कोर चेक करिए, आप ECGC की पॉलिसी लीजिए। मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट भी उसमें आपको सहाय करेगी, आपका पैसा आपको वापस देगी। तो आप ECGC कवर के साथ एक्सपोर्ट करिए। थर्ड चीज है, उसका आप रेफरेंस लीजिए। इंडिया में देखिए काफी सारी एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं UAE के अंदर, आप उसको पूछिए। आप हमें भी पूछ सकते हो, हमारे पास भी नॉलेज है होता है कि कौन सी कंपनी के साथ किया जाए काम और कंपनी के कौन सी कंपनी के साथ ना किया जाए। तो आप किसी एक्सपर्ट की भी एडवाइस लीजिए एक्सपोर्ट करने से पहले, तो आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। ये बात हो गई फ्रॉड से बचने की। अभी मेन टॉपिक है दुबई के अंदर पैसे कैसे कमाया जाए। देखिए ज्यादातर एक्सपोर्टर है वो वहां पे इसलिए नुकसान कर रहे हैं क्योंकि इसकी इंडिया में ही जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थी वो काफी ज्यादा हाई थी। हाँ, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, इंडिया से काफी सारे एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट, जिसकी मतलब मैं एक फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि वो टोमेटो चिली जिंजर ये कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से ही उसकी कॉस्टिंग उतनी हाई थी, दुबई में कैसे वो पैसे कमा पाएगा। इंडिया से ही वो उतनी महंगी चीज में मतलब खरीदी कर रहे हैं, उसकी मार्केट से वो परचेस कर रहे हैं, तो दुबई की मार्केट में आपको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि दुबई की मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। हाँ, दुबई की मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वहां की मार्केट में काफी फ्लक्चुएशन होता है, रेट ऊपर या नीचे होते रहते हैं, तो आपको ज्यादातर नुकसान होता है। नुकसान से बचने के लिए आपको दुबई की मार्केट में एक्सपोर्ट करने से पहले ये आपकी जो भी प्रोडक्ट है यहां से आप परचेस कर रहे हो, ये कम से कम मतलब कम से कम पैसे में आप परचेज करिए, तो आपको दुबई में एक्सपोर्ट करने के बाद नुकसान नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल UAE में एक्सपोर्ट करता हूं तो मैंने देखा है काफी सारे डीलर लोग हैं जो इंडिया से आपका प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो काफी सारे पैक हाउस है, काफी सारे दलाल है, डीलर है, जो आपको पैकिंग के साथ प्री कूलिंग के साथ जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके रेट ऑलवेज हाई होते हैं। हाँ जी, आप कंपेयर करोगे, आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता होगा यहाँ प्रोडक्ट आपको कहाँ से लेनी है, तो आप डायरेक्ट डीलर के पास चले जाते हो तो डीलर का मार्जिन उसमें काफी होता है। तो ये डीलर का मार्जिन ही उतना होता है कि आप यहाँ से महंगी चीज लेते हो और UAE में एक्सपोर्ट करते हो, UAE की मार्केट ऑलवेज कॉम्पिटिटिव होती है, तो आप वहां से पैसे नहीं कमा पा सकते हो। तो आप जरूर ये चीज के अंदर आप वर्कआउट करिए, अच्छे डीलर के साथ काम करिए। देखिए काफी अच्छे डीलर भी इंडिया में अवेलेबल है जिसके रेट भी वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत कम होते हैं, या आप डायरेक्ट फार्मर से काम करिए, डायरेक्ट फार्मर से आप परचेस करिए, तो आपको वो प्रोडक्ट का ज्यादा पैसा ना देना पड़े और आपको दुबई के अंदर प्रॉफिट हो पाए। ज्यादातर एक्सपोर्टर को मैंने लॉस होते हुए देखा है UAE के अंदर, पर ये लॉस इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया से ही उसका पहले कॉस्टिंग हाई था प्रोडक्ट का, इसलिए वहां की मार्केट में वो पैसे नहीं कमा पाए। तो आपके लिए एक यही एक सॉल्यूशन है कि इंडिया से जितना बने उतना आपका कॉस्टिंग बचाइए। आप कस्टम हाउस एजेंट का कॉस्टिंग हो आप वो बचाइए, मतलब आपका कंटेनर जो भी आपका ब्रोकर है वो बुक कर रहा है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग करिए, जिससे भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उससे ज्यादा से ज्यादा आप बार्गेनिंग करिए। दुबई में क्या रेट कौन सी चीज का चल रहा है वो पहले आप देखिए। और ज्यादातर मेरी एक टिप्स है, दुबई के अंदर जो भी प्रोडक्ट का रेट ऊपर चल रहा है, मतलब अभी पीक पॉइंट पे जो प्रोडक्ट चल रही है, वो प्रोडक्ट में आप एक्सपोर्ट नहीं करिए क्योंकि वो प्रोडक्ट आगे आने वाले दिनों में डाउन होगी, क्योंकि आपके साथ और भी एक्सपोर्टर हो गए, वो वही प्रोडक्ट देख के ही एक्सपोर्ट करते कि दुबई में फॉर एग्जाम्पल चिली है वो 22 दिराम चल रही है, तो ज्यादातर लोग है वो चिली ही एक्सपोर्ट करेंगे। आप भी चिली एक्सपोर्ट करोगे, दुनिया में काफी सारी कंट्री है वहां से चिली आएगी दुबई में और सबके कंटेनर एक साथ खुलेंगे, मार्केट डाउन हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की एनालिसिस करिए, आप दुबई में एक्सपोर्ट करने से पहले आप इंडिया में एनालिसिस करिए। एनालिसिस करना जरूरी है, वहां पे कौन सी प्रोडक्ट है वो ट्रेंडिंग में चल रही है, वहां पे कौन सी प्रोडक्ट का रेट ऊपर चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट का रेट नीचे चल रहा है, और जो भी प्रोडक्ट का वहां पे रेट ऊपर चल रहा है वो कम से कम रेट में आपको इंडिया से कैसे प्रोवाइड मतलब आपको मिल रहा है, वही प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करिए। और जितनी कम लागत में आप यहां से परचेस करोगे उतना ही आपका चांसेस है दुबई की मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने का। तो ये था प्रॉफिट वहां पे कमाने का सॉल्यूशन। अगर आप दुबई में काम कर रहे हो तो वहां पे कमीशन बेस पे काम होता है। कमीशन बेस पे काम कैसे होता है कि यहां से आप कंटेनर जब एक्सपोर्ट करते हो तब आपका प्रोडक्ट वहां पे बिकने के बाद
वो आदमी आपका इंपोर्टर उसके 5% कमीशन वो काट के आपको देगा। तो ये होता है कमीशन बेसिस का पेमेंट टर्म्स, मतलब पूरी क्रेडिट में आप माल बेच रहे हो उसको, तो उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है। आप क्रेडिट में माल बेच रहे हो दुनिया में, तो आपका पैसा वहां से आएगा नहीं आएगा ये आपकी इंपोर्टर कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो आपको ये यहाँ पे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप अच्छी कंपनी के साथ काम करिए। मेरे आने वाले वीडियो में मैं खुद एक दुबई के बायर के साथ आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, वो बायर भी अच्छा जेन्युइन है, वो आपको इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट करके देगा, आपको पेमेंट की सिक्योरिटी देगा कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, ये हमारे टाइप से मतलब हमारे साइड से आपको जिम्मेदारी है, वैसा वो आपको इंपोर्टर गारंटी देगा, तो आप जरूर उसके साथ काम कर सकते हो। दुबई में काम करने से पहले आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको मैं डॉक्यूमेंट का पार्ट बता दिया, आपको पेमेंट टर्म्स के बारे में बता दिया, आपको फ्रॉड हो रहा है तो उसके अंदर आप कैसे बचे इसके बारे में बता दिया, आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो ये बारे में बता दिया। तो आप जरूर एक्सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा इंडिया से। दुबई का मार्केट काफी अच्छा है, काफी सारे बिगनर है जो दुबई के अंदर आज के दिन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दुबई में आपको मतलब बहुत आसानी से आपको बायर मिल जाएगा, पर जहां पे आसानी से काम होता है वहां पे तकलीफें भी ज्यादा होती है। तो आप जरूर ध्यान रखिए दुबई में एक्सपोर्ट करने से पहले अच्छी इंपोर्टर कंपनी के साथ काम करिए, तो आपके साथ फ्रॉड ना हो पाए और ज्यादा से ज्यादा कम लागत में इंडिया से आपका माल परचेज करिए, तो दुबई में आपको ज्यादा नुकसान ना हो और आप प्रॉफिट में अपना कंटेनर बेच पाओ। दुबई की टिकट इतनी ज्यादा है नहीं, हो सके तो आप दुबई भी जाओ, अपना कंटेनर है और पहली बार लाइव वहां पे सेलिंग देख के आओ, तो आपको पता चले दुबई की मार्केट कैसे चल रही है। तो आगे आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप अच्छे प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्सपोर्ट दुबई की मार्केट में कर पाओ। मैं खुद भी पिछले साल एक्सपोर्ट करने के लिए खुद दुबई में गया था वहां की मार्केट देखने के लिए, आज के दिन भी मैं अच्छा एनालिसिस करके दुबई की मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो आप ध्यान रख के जरूर दुबई की मार्केट में एक्सपोर्ट करिए, तो आपको जरूर वहां पे प्रॉफिट होगा। आपका खूब खूब धन्यवाद आज का ये मेरा वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।